मेरा दिल नहीं था कि मैं इस दुनिया की तरफ आऊँ, मेरा दिल था कि मैं बस अपने इवेंट करूँ और उसमें रहूँ। लेकिन वो मेरे रियलिटी भी थे, उन्होंने मुझे काफ़ी फोर्स किया कि आप करो एक दफ़ा करो। कि तुहानू भी मसला ला के है कि तुसी अपने आप को फिट रखने वास्ते। सही बात, आर्टिस्ट जो होते हैं खासतौर जो एक्ट्रेस होती हैं उनको वो फिगर के लिए बड़ी कॉन्शियस होती हैं, तो मैं भी हूँ। अच्छा जी, बाबा साहब मैं आपकी बात काट रही हूँ, ये दुनिया का रिवाज है, मैं इन चीज़ों की टेंशन नहीं लेती, पहले लेती थी, आप नहीं लेती, ये दुनिया का रिवाज है। नेक इंसान का गुनाह और गुनाहगार की नेकी ये दुनिया बर्दाश्त नहीं करती। इनको ये हजम नहीं होता, क्योंकि नेक इंसान का गुनाह देख तो नेक बढ़ बहता है, तो ये तो वो इंसान इंसान खता का पुतला है। हाँ, और एक गुनाहगार है अगर वो गुनाह कर रहा है और एक दफ़ा वो नेकी उसकी उसकी आपको नज़र आ गई है तो आप अप्रिशिएट करो उसको, हो सकता है कि आपके अप्रिशिएट करने से वो कितना आगे आ जाए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मैंने ये सोचती, क्योंकि इन लोगों की ये आदत है, दुनिया की ये आदत है कि ये नेक इंसान का गुनाह और गुनाहगार की नेकी बर्दाश्त नहीं करती, सो इन चीज़ों को सोचना नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, मैं इस गल इतफाक करांगा, दुनिया से जो इस्लाम फैले है सरकारे दो आलम की मोहब्बत ना फैले है, ना कि वह तंज नाल और किसी तकरार ना फैले है, कि इस्लाम बड़ा खूबसूरत है, वो दावत हर बंदे नूं दिओ और इंशाल्लाह मोहब्बत नाल एक दिन बंदा जरूर रागब हो जाता है। तो उसी जो चिले से जाते सो तो बयान करन दा कितना इतफाक होया। बल्कि मैं वो तो मुझे हर जगह कहते थे कि बयान ही यही करें। तबलीग का तो ये होता है ना, देखिये सबकी मुझे पता है थोड़ा सा कि जब वो जाते हैं तो बस वो एक करता है दूसरा करता है तीसरा करता है, वो ऐसे होता है ना, नमाज की दावत देना, अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाना और नेकी की दावत देना, और जो है ना यही होता है, जो चीज़ें पता होती है फिर वो लोगों को बयान करते हैं, वो बताते हैं कि ये है। जैसे आज देखें कि एक डांस करने वाले को सब कह रहे हैं कि ये गुनाहगार है, ये बदकार है, जानी को सब बुरा कह रहे हैं, शराबी को सब बुरा कह रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं देख रहा कि कितने मेरे घर से, मेरे घर वाले, मेरे बस्ती वाले, मेरे हमसाए, मेरे शहर वाले कितने जो है ना जहन्नम में कट कट के जा रहे हैं। हाँ, एक दफ़ा जब आबले इस्लाम ऐसे बैठे थे जिसका मफहूम है एक यहूदी का जनाजा जा रहा था, तो आबले इस्लाम दारो को दार रोने लग गए। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह के भी एक यहूदी था मर गया, बस ख़त्म हो गया, आप क्यों इतना रो रहे? कह रहे बेशक वो यहूदी था लेकिन मेरा उम्मती तो था, आज बगैर कलमे के चला गया, हमेशा के लिए जहन्नम की आग का ईंधन बन गया। आज आप देखें कि नमाज का छोड़ देना कितना बड़ा गुनाह है, कितना बड़ा गुनाह है। अब देखें एक हम मैं खुद जाके लाखों की चीज़ ले आऊँ, आप भी जाके बाजार से कुछ भी ले आएँ, लेकिन एक तोहफा आपको कोई दे वो उसकी कोई वैल्यू ना हो, कोई कीमत ना हो, लेकिन आपकी नज़र में उसकी वैल्यू होगी कि ये तोहफा है, तोहफा और ये मुझे किसी ने दिया, क्योंकि तोहफा अनमोल होता है। ये नमाज तोहफा मिली है। जब आपले इस्लाम मेराज पर गए थे, सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपले इस्लाम से कहते थे कि हमें बताएं कि हम कैसे अल्लाह से बात करें, कैसे अल्लाह से मांगें, कैसे अल्लाह की हम शुक्रगुजारी करें। तो फिर जब आपले इस्लाम मेराज पर गए थे तो फिर अल्लाह ने ये नमाज का तोहफा दिया, तो फिर जब नमाज आई तो सहाबा इकराम इतना खुश हुए कि आज अल्लाह से लेने का हमें ज़रिया मिल गया, अल्लाह से हमें मांगने का ज़रिया मिल गया, अल्लाह से बात करने का ज़रिया मिल गया। और देखें कि आज हमारे घर में कितने बेनमाज, हमारे हमने कभी ये फिक्र की है कि हम खुद ने जब पढ़ रहे तो हम दूसरों की क्या फिक्र करेंगे? नमाज का छोड़ देना इतना बड़ा जो है ना जुर्म है। अच्छा ठीक है। अच्छा मैं एक सवाल है, मुझे करना नहीं चाहिए, नेल पॉलिश आपने नहीं लगाई हुई जी, तो ये नमाज के लिए नहीं लगाई हुई या मतलब? हाँ, मैं नेल पॉलिश नहीं लगाती, ना नेल्स रखती हूँ, ना ही जो है ना आजकल तो आपको पता आ गए बाजार में मार्केट में पार्लर में जाए और नेल आर्टिफिशियल लग जाते हैं, मैं वो भी नहीं लगाती क्योंकि मैंने नमाज़ पढ़नी होती है, नेल पॉलिश भी इसीलिए नहीं लगाती कि नमाज़ पढ़नी। अब इवेंट कर रही हूँ, आपको पता सब लड़कियों ने वो प्यारे भी लगते हैं, इतने इतने नेल्स लगवाए हुए हैं, चाहे अपने या बड़े किए हुए या उन्होंने लगवाए हुए हैं, वो खूबसूरत लगते हैं, लेकिन मैंने नहीं लगवाए, मैंने इसलिए लगाए कि क्योंकि फिर नमाज पढ़। अच्छा कितने लोगों ने मेरे तो पहला इंटरव्यू, कितने इंटरव्यू थोड़े हो चुके हैं? काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं।
अच्छा ते ए पॉइंट किने लोगों ने नोट कीता कि भाई नेल पॉलिश चे भाई मैक मलक दे नेल पॉलिश नहीं लगाई ये फर्स्ट टाइम आपने ही नोट किया इस तो पहले नहीं किसी ने नहीं नहीं अच्छा एक्चुअल मेरा इंटरव्यू जो होता है मैं चाहना वो कोई मकसद गल हो मेरा मैटर यह नहीं सब्सक्राइबर लेना मेरा मैटर यह नहीं व्यू लेना मेरा मैटर है वे कि मेरा वीडियो देख के एक बंदे नू किसे नू किसे गल दी समझ आ जाएगी मेरी जिंदगी का मकसद जो पूरा हो जाएगा ठीक है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुहाडा वादा किया कायनात से जिनी देर तुहाडी जिंदगी है वह एक वादा एक टाइम है मुकर्रर है और तुसी उहदे मुताबिक हो चाहे अच्छाई से गुजार दो चाहे बुराई से गुजार दो सो मेरा मकसद हुंदा मैं अगर किसी का इंटरव्यू करा तो उस कोई बामैनी गल हो कोई फिक्र की गल हो किसी के काम आ सके वरना फजूल से मतलब बोलना दुनिया से कोई मिशन नहीं अगर अल्लाह ताला ने जबान दी है तो इनू उसकी पॉजिटिव इस्तेमाल और मैं थोड़ी दिल तो रिस्पैक्ट करना और मैं थोड़ा मशहूर तो ममून ही हाँ और मैं फैन हाँ थोड़ा तीसरी दफ़ा मैं थोड़ा इंटरव्यू कर रहा एज आ रीज़न थोड़े अखलाकियात जड़े ने वो अच्छे ने और दुनिया च मैं कल मेरे एक दोस्त ने मैं उन्होंने दस रहा सी कि दुनिया के दो चीज़ा दुनिया का किन्ना भी अच्छा बंदा हो दो चीज़ा ना हो दुनिया का नाकाम तरीन आदमी है एक मुस्तकिल मजाजी और दूसरा इखलाकियात अगर दोवों तो खाली होएगा वो दुनिया का इंजीनियर होएगा पढ़े लिखे आदमी होएगा वो दुनिया का बेकार तरीन आदमी होएगा ठीक है साड़िया बेस्ट विशेज ने तुहाड़े वास्ते इस तरह ही हंसते मुस्कुराते रहो तुहाड़े नाल एक विलाग जिहड़ा असीं परसों रिकॉर्ड करांगे उस तो बाद इंशाल्लाह जाग मुझे और याद आ गई वो मैं करती जाऊँ मैं आज तक मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं ऑन ईयर में आपके कैमरे के सामने ये बता दो आज तक मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया काफ़ी लोग कहते हैं कि आप बाहर क्यों नहीं जाती तो मैं आज बता दूँ उसका रीज़न वो ये था कि एक दफ़ा जब नई नई फेमस होने लगी तो मुझे ऑफ़र आया यूके का तो उसमें जो पेमेंट अमाउंट थी वो भी अच्छी खासी मुझे मिल रही थी तो जिसके लिए जो है ना बहुत बहुत लोग सोचते होंगे कि हमें इतनी मिल सकती है लेकिन मुझे अम्मी ने मना किया कि नहीं बाहर नहीं जाना तो वो दिन था आज का दिन आ गया आज तक हमें दोबारा ये नहीं जाती सब जाते हैं लोग जिनके कम नाम है या ज़्यादा नाम है जितने भी लोग मैं देखती हूँ वो जाते हैं तो मेरा भी दिल करता है लेकिन मैंने कहा नहीं अम्मी ने मना किया तो मैंने नहीं जाना वेल डाउन जी वेल डाउन मैं जिक्र करता चला अबरारो लख साहब का अबरारो लख साहब जड़े ने साडे सिखर ने उन्होंने तुम कभी फंक्शन करद नहीं देखोगे कहते वो पैसे लैके गाण वास्ते नहीं जाते रीज़न है वे चूंकि उन्होंने गाने का शौक से लेकिन उन्होंने वालदा जड़े ने वो एग्री नहीं सन और उन्होंने अपनी वालदा ने प्रोमिस होया कि मैं कभी भी इस तरह नहीं गावगा सिर्फ शौक वास्ते गावगा तो पहले वो उन्होंने कोई एक दो आडियो नंबर दो तीन बड़े गाने उन्होंने सुपर हिट हुए बड़ी शोहरत मिली और अजक वो वैसे पी टी आई वास्ते गा रहे हैं इमरान लख इमरान खान साहब वास्ते तो महक मलक साहब अच्छ दूसरा जनाब पाकिस्तान इजाफा हो गया तो जिन्होंने अपनी वालदा के कहते उन्होंने बहर जाना अच्छा नहीं लगा तो यकीन बड़े बड़े लोग बहर जाते हैं अगर महक मलक बहर नहीं उन्होंने विजिट किया तो रीज़न ये कि अपनी वालदा की तहसीब उन्होंने हुक्म अदूली ना हो उन्होंने जी गल बुरी लगी है अगर असी सारी जिंदगी सब कुछ किया तो एक गल अगर धक्के वालदा मना लग पवेंगे तो फिर भी कुछ नहीं रह जाएगा तो गल तो यह भी कि उन्होंने खुशी से राजी हो जाइए जो असी उन्होंने खुशी से राजी हो जावे तो फिर अल्लाह साड़ी खुशी से राजी हो जाएगा कोई पैगाम को मैसेज देना चाहो जी आप भी ऐसे अपने वालदैन को प्यार करें उनकी इज्जत करें क्योंकि वो इज्जत के काबिल हैं जिन्होंने आपको पैदा किया आपकी परवरिश की और आप पर जो है ना बहुत ज़्यादा उनके एहसान उनकी आज अगर उनको उनकी आपको आपको अगर आज उनको आपकी ज़रूरत है तो आप उनका ख्याल रखें जैसा कि बचपन में उन्होंने आपका रखा है तो उनके साथ प्यार से रहें प्यार से बोलें कभी भी ऊंची आवाज़ में उनके सामने बात ना करें जी नादरीन मैं बस तुम्हें यह कहना चाहवागा लास्ट कि जिंदगी कुछ ऐसा करो कुछ ऐसा अच्छा करो जिवें ईद उल फितर सी सब लोग जाते हैं रिश्तेदार अजीजा के घर मैं ईद उल फितर जी डिस्ट्रिक्ट जेल गुजरात के अंदर जी मनाई जेडे अंदर कैदी सन खवातीन बच्चे उन्होंने नाल जाके ईद मनाई उन्होंने वास्ते गिफ्ट पैक जो बनाए दारुल अमान च जो खवातीन सन उन्होंने ईद मनाई सो बहुत खुश हो गए जदों एक बंदा भी अल्लाह का खुश हो जाएगा तो मेरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुश हो जाएगा
तो बेड़े पार हो जाएंगे। इन्ना की मकसद है तुसी भी जिंदगी कोशिश करया करो किसी नूं खुश कर दिओ मुहब्बत नाल, छोटिया छोटिया लोगों दी जरूरतां जिहड़ियां ने उन्हां दा ख्याल रखो। राती मैं एक दोस्त कोल गया, उहदी दुकान बंद सी, मैं कटी करवाउण वास्ते, तो एक महीने दा उहदा बेचारे दा किराया नहीं, इसदा शटर वज्जिया होया सी। अज मैनूं बड़ी खुशी हुई है जदों रस्ते च मैं आंदिया उहदी शॉप ओपन देखी है, तो अपने बच्चों का रोज़गार कमा रहा है। अगर एक महीने का किराया से देता कोई फर्क नहीं। छोटिया छोटिया लोगों दी खुशियां दा ख्याल रखा करो। इहदे नाल ही मैं इजाजत चाहवांगा, अल्लाह ताला साड़ियां कोशिशां ते राजी हो जावे, साढ़े ते खुश हो जावे। आमीन सुमा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।